नन्ही परी, अरे ओ गरम जली जंदरी शर्म नहीं आती नन्ही परी के गाने गाते हुए। दो तो पहले से थी, अब नन्ही परी की गाने गा रही है। एक बात कान खाल को सुन ले कि इस बार मुझे पोताई चाहिए, आजी मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। बस मैंने कह दिया, हे भगवान, ना जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे तुझ जैसे बहू मिली। अरे माँ, तुम भाभी को क्यों मार रही हो, उसे तीसरे बच्चे के लिए क्यों फोर्स कर रही हो? अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना क्या नहीं करना? अपना भाषण अपने पास रखो। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आखिर बेटे भी तो बेटियों के समान होते हैं। देश के ऐसे तो अगर सब देश ऐसे तो अगर सब लड़के के चक्कर में लगे रहे तो ऐसे तो देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से हमारे सामने कितनी समस्याएं आती है, किसी को रोजगार नहीं मिलता तो किसी को रहने को घर नहीं मिलता, किसी को पहनने को कपड़े नहीं मिलते तो किसी को खाने को खाना नहीं मिलता। जरा सोचो ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हमारे देश का? तुम्हारी दो दो पोतियां हैं, तुम उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छी परवरिश दो, समझने की कोशिश करो माँ। क्या हो रहा है ये सब? अरे ये सब छोड़ बेटा, तू बता आज से तेरा इंटरव्यू था, कैसा गया तेरा इंटरव्यू? हाँ था तो माँ, लेकिन क्या करूँ, रोज पहले की तरह वो वापस आना। बेरोजगारों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि मेरा नंबर ही नहीं आया। एक पोस्ट पर हजार लोगों की लाइन लगी पड़ी है, मेरा नंबर कहाँ से आएगा माँ, तुम्हें बताओ। भगवान पे भरोसा रख बेटा, सब सही होगा। देखा माँ, मैं कब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी कि जनसंख्या के बढ़ने से हमारे सामने कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। अब भैया को ही देख लो, वो इतना क्वालिफाइड है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली, तो ऐसे में दूसरों को क्या होगा? अरे वो सुशीला बहन, कहाँ हो? आई आई उर्मिला बहन, क्या बात है? लो मीठा करो। किस बात की मिठाई खिलाई जा रही है? मेरी पोती आईएएस बन गई है, इसी खुशी में सारे गांव वालों को मिठाई खिला रही हूँ। मैडम तुमसे कहती थी कि मेरी पोती पोतों से कम नहीं है, अब देख लो मैंने उसे इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई कि वो आईएएस बन गई है। लो सबको सबका मीठा। अरे ओ सुशीला बहन, अरे सुशीला बहन क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे जरा थोड़े पैसों की जरूरत थी, अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उमा बहन आपकी तो ये रोज की परेशानी बन रही है, एक तो आपके चार पांच बच्चे, ऊपर से आपकी कमाई भी कम, कैसे पालते हो अपने बच्चों का पेट? अगर आपके पास पैसे की कमी है, स्थिति खराब है, अगर आपके बच्चे दो होते तो खेल छोड़ो। हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ, हे भगवान मैं भी कितनी पागल हूँ। बेटा तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, बहू तुम भी मुझे माफ कर दो, आज मुझे अपनी गलती का ये एहसास हुआ है। अब मैं अपनी दोनों पोतियों को खूब पढ़ाऊंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी और उन्हें इस काबिल बनाऊंगी कि वो हमारे पूरे परिवार का समाज में नाम रोशन करें, देश में नाम रोशन करें और समाज को जागरूक करें। देखा आप सभी ने, बेटों के चक्कर में हम अपने देश की जनसंख्या को इतनी तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिससे समस्त जनजीवन प्रभावित होगा। जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि बेरोजगारी, काम की कमी आदि। जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक वरदान होती है, परंतु जब जनसंख्या अधिक हो जाती है फिर ही अभिशाप बन जाती है। छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। जनसंख्या पर रोक लगाओ, जीवन की धार बढ़ाओ। जनसंख्या पर रोक लगाओ, भारत को खुशहाल बनाओ। सुखी जिंदगी का आधार छोटा परिवार सुखी परिवार। आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम अपने देश के लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करेंगे ताकि जनसंख्या के कारण भविष्य में हमारे देश के विकास में कोई अवरोध न प्रकट हो। धन्यवाद।